हेलो नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अतुल। मैं सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। तो आज हम जो हमारे पेट में होने वाली जो चर्बी है उसके बारे में हम बात करेंगे। हम जानेंगे हमारे पेट में ये जो चर्बी है वो कैसे बढ़ी, किन कारणों से बढ़ी, इनका कारण क्या होता है और उनकी समस्याओं का हल क्या है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में जाने से पहले, अगर कोई नया है इस चैनल पे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जो बेल बटन है उसको प्रेस करके एनेबल ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो आपकी तरफ डायरेक्ट पहुंच सके। हमारे जो पेट में जो चर्बी होती है वो कैसे बढ़ी, क्योंकि ये तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। सडनली एक दिन में दो दिन में आपको चर्बी नहीं आ जाएगी, तो उससे ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। एक दिन, दो दिन, दस दिन, ऐसे महीने, साल बाद ही आपको क्या होती है, चर्बी जो होती है वो आपको दिखाई देती है। तो एक दो दिन में वो नहीं आती। तो हमें इन सब का जो चर्बी का जो कारण होता है, हमारे आयुर्वेद में, हमारे साइंस में ये जो निदान जो होता है, जो कारण जो होता है, उसको बहुत सा इम्पोर्टेंट दिया गया है। कोई भी रोग हो, कोई भी कंडीशन हो, किन कारणों से हमको वो जो रोग है वो उत्पन्न हुई है, वो जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसी के बाद हम चिकित्सा या युक्ति के अनुसार ही हम चिकित्सा या मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, किन कारणों से हमें ये जो चर्बी है आई है। तो बहुत सारे कारण होते हैं, उन कारणों का जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जानते हैं हम किन कारणों से हमें चर्बी आई है। तो पहला जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आराम से जीना, एकदम ऐश पोश करके जीना, मतलब कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो कोई बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है। आराम से जीने का जो शैली होती है आजकल के जो हमको आसपास हमको दिखाई देंगे, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, तो वही हमारे जो कोलेस्ट्रॉल हो या डायबिटीज़ के शिकार होते हैं। ऐसे ही जो चर्बी, हमारे पेट में जो चर्बी आती है, उनका एक कारण तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल ही होता है। तो इससे ही हम बता सकते हो लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, जो व्यायाम है वो ना करना। तो उचित मात्रा में अगर आप व्यायाम ना करें, अगर बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिए, तो उससे हमें क्या हो सकती है, चर्बी जैसे रोग, चर्बी और उससे भी अन्य, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हुआ, जैसे कि डायबिटीज़ हुआ, प्रमेह हुआ, ऐसे कई रोग उत्पन्न हो सकते हैं। और अगला कारण हम ये बता सकते हैं, हमको जब भूख ना लगे, देखो हम अगर हंगर नहीं होता है, हमें जब भूख नहीं लगती है फिर भी हम जाके खाना खा लेते हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है इसके लिए। और खाने में हम हैवी फूड्स का इस्तेमाल करें, लाइट फूड के बजाय हम अगर हैवी फूड्स, एक दिन दो दिन खाने में कुछ नहीं होता, अगर रेगुलरली हम हैवी फूड्स का इस्तेमाल करें तो ये भी एक कारण बन जाती है। और हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसका वीक हो जाना, तो मेटाबॉलिज्म जब वीक हो जाता है तो हमारे जो डाइजेशन प्रोसेस सब में खराबी हो जाती है, हमारा जो आहार जो हम खाते हैं वो पचता नहीं है और वो उधर ही सेटल हो जाता है। तो मैंने पिछले कई वीडियोस जो कॉन्स्टिपेशंस में मैंने बनाए थे और जो इनडाइजेस्ट में बनाया था, अगर किसी ने अगर वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो ज़रूर आप जाके देखिएगा। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आपको जब भी टाइम मिले जाके देख लीजिएगा। इसी से रिलेटेड टॉपिक, पापा होते हैं नहीं तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो अगर मोटे हैं, उनको अगर चर्बी है, अगर वो मोटे हैं, तो उनका जो प्रकृति है वो उनके बेटा या बेटी को भी मिल सकता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं उसमें कोई डिसऑर्डर, कोई प्रॉब्लम हो जाना। कई व्यक्ति हैं जो ज़्यादा खाते नहीं हैं लेकिन वो क्या है कि वो मोटे रहते हैं, उनको चर्बी रहती है, जो आहार जो है ज़्यादा खाने से भी चर्बी आती है। लेकिन थोड़े ऐसे कैटेगरी के लोग भी है जो ज़्यादा नहीं खाते लेकिन उनको भी हम थोड़ा मोटापा और उसी के साथ पेट में जो चर्बी होती है वो पाए जाते हैं। हार्मोनल डिसऑर्डर्स है, थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम, जो PCOD का जो कंडीशन है, और अगर आपको डायबिटीज़ है, तो इन सभी कारणों से भी आपका जो पेट में है चर्बी आ सकती है। अगर अब कई सालों से कोई
हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, कोई रोग से गुजर रहे हैं, तो उसी के साथ आप लॉन्ग टर्म से क्या कर रहे हो, मेडिकेशन, कोई मेडिसिन खाते जा रहे हो, तो उसी मेडिसिन के कई साइड इफ़ेक्ट से आपको क्या हो सकती है, पेट में चर्बी आ सकती है, जो स्ट्रेस होती है, तो उनके वजह से भी हमको ये कंडीशन पाए जा सकते हैं। तो हमारे जो डाइजेशन प्रोसेस है उनका वीक हो जाना, तो हम जो जो आहार खाते हैं, तो हम अगर अपने हमारी जो अग्नि होती है हमारे बॉडी में 13 अग्नि होती है, उसमें से एक जठराग्नि, 7 धात्वाग्नि और पंचभूताग्नि होती है। तो अगर हमारी जो जठराग्नि होती है अगर वो अगर वीक है, तो हम जो आहार खाते हैं उसका सही से पचन नहीं होता, वो बिना पचे ही हमारे बॉडी में क्या करता है, वो उधर सेडिमेंट हो जाता है, जो स्टे कर देता है, तो उसमें कहीं जाके रुक जाता है, पचन नहीं होता, उधर इकट्ठा हो जाता है, थोड़े देर के बाद वो क्या हो जाता है, ऐसी चर्बी बन जाती है। तो डाइजेशन प्रोसेस में सही से आहार का ना पचना वो भी एक कारण बन जाता है। कई लोगों ने पूछा है हमें चर्बी से मुक्ति लेनी है, चर्बी को हटाना है, तो हम क्या करें? तो वो कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है इसमें। अगर कोई हम थोड़ा उपवास करें, थोड़ा डाइट फॉलो करें, ओनली डाइट ओनली उपवास से कुछ नहीं होगा, तो उसी के साथ हमें थोड़े एक्सरसाइज, थोड़े आसनास, योगास, हमारे जो जीवन शैली में हम जो रोज़ करते हैं उसी में थोड़े परिवर्तन और थोड़े आहार का ना खाना और थोड़े आहार को ऐड करना, ये सभी को करना पड़ेगा। हमें सही से हमारे जो दिनचर्या है उसको फॉलो करना। तो हमारे शरीर में जो सप्त धातु होते हैं, रस धातु, रक्त, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु और शुक्र धातु, तो रस धातु से रक्त धातु बनता है, तो उसी के नीचे जो आता है वो लास्ट में क्या जाता है, शुक्र धातु तक पहुंचता है। जो सप्त धातु है उसमें से एक धातु से अगले धातु का निर्माण होता है, जैसे कि रस से रक्त धातु का निर्माण हुआ, रक्त से मांस का हुआ, मांस धातु से मेद धातु का हुआ। जब मेद धातु में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तभी हमको ऐसी चर्बी, पेट में जो चर्बी आ जाना, नहीं तो डिसलिपिडेमिया, नहीं तो फैटी लीवर, ऐसे कई रोगों का उत्पन्न होता है। तब मेद धातु का अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका अगला धातु होता है अस्थि धातु, तो मेद धातु से ही अस्थि धातु का निर्माण होता है। अगर मेद धातु में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसी से हमारे जो अस्थि धातु है उसमें भी क्षय आ जाता है, और अस्थि धातु में क्षय आ जाता है मतलब उसमें से भी कई रोगों का उत्पन्न होता है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस हुआ, ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ, हमारे जो बोन्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, कैल्शियम डिफिशेंसी, ऐसे कई रोगों को उत्पन्न करती है। जो चर्बी का जो कंसेप्ट है वो हमारे पेट तक ही ना लिमिटेड है, वो फैटी लिवर भी हो सकता है। अगर हमारे बॉडी में अगर मेद धातु की विकृति हुए, वो फैटी लिवर, डिसलिपिडेमिया, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, ऐसे कई रोगों को भी उत्पन्न कर सकती है। हमारे जो अगर अग्नि सही नहीं है तो वो कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, गैस फॉर्मेशन, ऐसे कई रोग है जो इससे उत्पन्न हो सकती है। तो कई लोग ऐसे सोचते हैं अगर चलने से हमारा क्या होता है, पेट की जो चर्बी होती है वो समाप्त हो जाती है, लेकिन आपको ऐसे एक्सरसाइज करने होते हैं जहाँ पे आपकी जो पेट का एरिया में थोड़ा एक्सरसाइज आए, जैसे कि पेट की में आती है चर्बी, उसके लिए आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो मतलब वॉकिंग कर रहे हो, तो आपके जो पेट की चर्बी है वो वॉकिंग से नहीं दूर होती। अगर आप वॉकिंग कर रहे हो वो अच्छा है, उस सेहत के लिए हमारा जो वॉकिंग है वो अच्छा ही रहता है, लेकिन आपको पेट की चर्बी को निकालना है, उसको दूर करना है, तो आपको कई अन्य एक्सरसाइज और आसनास और जो हमारे जो दिनचर्या है उसको फॉलो करना होता है। अगर आप ज़्यादा फोर्स देके अगर एक्सरसाइज वॉकिंग करोगे तो उससे आपको पेट की चर्बी भी नहीं जाएगी और इन टर्न आपको क्या होगा, घुटनों के दर्द भी शुरू हो सकती है, क्योंकि आपको जब पेट की चर्बी रहती है तो आपका क्या होता है, अस्थि धातु क्षय होता है, क्योंकि मेद विकृति हो गया है, मेद से ही अगला अस्थि अस्थि धातु का पोषण मिलना चाहिए, अस्थि धातु उधर से ही निर्माण होता है, तो अस्थि धातु में क्षय होती है तो हमारे जो घुटनों के जो अस्थि होते हैं, जो अस्थि है उसमें भी क्षय आ जाती है। उससे आपका क्या हो सकता है, अगर ज़्यादा आपने वॉकिंग करने की कोशिश भी की तो उधर क्या हो सकता है, हमारे घुटनों में दर्द भी आ सकती है। तो डाइट प्लान, थोड़े व्यक्ति ऐसे भी है जो डाइट प्लान को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो ये जो डाइट प्लान का जो चक्कर है आप कर सकते हो, लेकिन ये तो बस एक शॉर्ट टर्म है। तो
तो सबसे पहला हमको क्या करना है कि आपको निदान जो कारण है, किन कारण से आपको ये जो कंडीशन आया है उसको पहचाना और उसी के अनुसार आपको अपने जीवन शैली में या आपकी जो दिनचर्या में और जो फूड्स में जो खाना में क्या क्या ऐड करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए उसी के अनुसार उस कारण के अनुसार ही आप इनको तय कर सकते हैं और उनको फॉलो कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक धन्यवाद।